तो हम डिस्कस कर रहे हैं एन फॉर्मूला के ऊपर। तो इसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन 33 है, सारे सब्जेक्ट, तो पास आना चाहिए या फेल आना, तो नहीं तो फेल आना चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट में भी 33 से नीचे आया तो फेल होना चाहिए। तो प्रॉब्लम इज दैट कि कैसे करेंगे। तो एक्सेल के अंदर में क्या है कि हमारे पास एक एंड का फॉर्मूला, क्योंकि इफ फॉर्मूला किसी भी कीमत में एक से ज्यादा कंडीशन नहीं लेगा, एक इफ एक कंडीशन। तो मल्टीपल कंडीशन और सिंगल रिजल्ट है, रिजल्ट एक ही है लेकिन कई सारे कंडीशन है। तो हम यहाँ एंड का फॉर्मूला लगाते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 33, और इसमें हम सारे कंडीशन 1/1 डाल देते हैं, 33 कॉमा, इसको सेलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा, इसको सेलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा, इसको सेलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है, डाल दीजिए। तो अगर सारे 33 होगा, जैसे कि मैं इसको कर देता हूं 35 और इसको भी कर देता हूं 40, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अब इस ट्रू को पास और फेल में कन्वर्ट कर सकते हो इजिली, कि इफ इज ग्रेटर देन सॉरी इसे कुछ देने की जरूरत नहीं है, यहां पे पास अदरवाइज फेल, ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो ये ग्रेडिंग का जो है, ये आपका जो है नेस्टेड इफ है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक इफ में हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं। तो यहां पे हम देंगे इक्वल की इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, ग्रेट लेस देन इक्वल टू अगर 40 है तो यहां पे सी ग्रेड आना चाहिए, ठीक है। अगेन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 60 है तो यहां बी ग्रेड आना चाहिए। अगेन इफ, इस तरह से आप एक इफ लगाते चले जाइए, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो यहां पे ए ग्रेड और अदरवाइज ए प्लस आना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन है। तो ये फाइल में आपको भेज रहा हूं, आप क्या करें,